अब आइए हम बात करते हैं विंड के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट विंड्स, प्राइमरी विंड्स, ग्रही हवाएं, स्थाई हवाएं आदि नाम से हम इनको जानते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले देखते हैं ट्रेड विंड्स, जिसको हम बोलते हैं व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाएं जो हैं वो आपके ग्लोब पर लगभग 0 डिग्री से, मतलब 0 to 5, 10 डिग्री से लेकर आपके 30 to 35 डिग्री तक इनके बीच में चलती हैं। और हम अभी पढ़े हैं सेल के बारे में, इस बीच में कौन सी सेल होती है? हेडली सेल। तो हेडली सेल के बीच में चलती है 30 to 35 से आपके 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर 5 to 10 डिग्री इक्वेटर के बीच में। अब ट्रेड, जैसा नाम से ही हमको स्पष्ट हो रहा है, ट्रेड मीन्स व्यापार, तो शब्द से ही स्पष्ट है कि व्यापारिक पौने। मतलब पहले के समय में क्या होता था, व्यापार किया जाता था अटलांटिक महासागर में, तो ये जो हवाएं हैं उस व्यापार में जो परिवहन किया जाता था, उस परिवहन में ये बहुत हेल्पफुल होती थी, उस डायरेक्शन, पवन का जो डायरेक्शन है वो, तो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पौने। व्यापारिक पौने, पहला तो हमने देखा कि ये ग्लोब पर या हमारी पृथ्वी पर लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश से लेकर 5 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच में बहती है। और यहाँ पर सेल कौन सी होती है? हेडले सेल, हेडले कोशिका, इनके बीच में ये प्रवाहित होती है। ये उपोष्ण उच्च दाब की पेटी से विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की तरफ चलती है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हवाएं हमको सीधी नहीं दिख रही, ये हवाएं हमको तिरछी डाइवर्ट दिख रही है ना, रिफ्लेक्ट हुई दिख रही है। तो ये ऐसा क्यों? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हवाओं के डिफ्लेक्शन का जो कारण है वो कोरियालिस इफेक्ट के कारण होता है। कोरियालिस फोर्स के कारण हवाओं में डिफ्लेक्शन आता है। वो कैसे, इसको हम छोटा सा एग्जांपल देख के समझते हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि कोरियालिस फोर्स के कारण जितनी भी जो हवाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये कैसे दाईं ओर ही या बाईं ओर ही मुड़ते हैं, ये हम देखते हैं। कोई भी घूमती हुई चीज़, जैसे हमारी पृथ्वी भी घूम रही है और ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में हम जान रहे हैं कि एक चक्कर लगाती है, तो वो गति विषुवत रेखा पर ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि हमने बताया कि हमारी पृथ्वी जियोड की आकृति की है, जो विषुवत रेखा पर ज़्यादा फैली हुई है हम देख रहे हैं, और नॉर्थ पर, नॉर्थ रीजन जो है, पोल रीजन, चाहे वो नॉर्थ का हो या साउथ का हो, वो बहुत सकरा है। तो क्या होगा, 24 घंटे का जो समय है वो हमारे इक्वेटर के लिए भी है और पोल के लिए भी है। 24 घंटे में ये जो ए पॉइंट है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, वहीं पर उसको घूम के फिर से एक बार आना है, 24 घंटे का समय है। और मध्य अक्षांश पे कोई खड़ा है हमारा फ्रेंड, वो जहाँ पर खड़ा है उसको भी 24 घंटे का समय लग रहा है। तो जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है ना, हमको मालूम है, इसीलिए इसका विषुवत रेखीय जो व्यास है 12756 है और लगभग 12713 जो है वो ध्रुवों का होता है। तो जिसका व्यास ज़्यादा है उसको ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करना पड़ रहा है। हम पूरे घूम के यहाँ पर आने में हमको अधिक समय लगेगा, और ये जो छोटा रीजन है, छोटा स्पेस है, वो जल्दी से घूम कर अपने स्थान पर पहुँच जाएगा। तो इसको अपनी गति या स्पीड को ज़्यादा रखना पड़ेगा, कहाँ पर? इक्वेटर को, इक्वेटर के बाद मध्य अक्षांशों को, और मध्य अक्षांशों से भी कम गति जो है वो आपके पोलर रीजन के लैटिट्यूड्स या अक्षांशों की होगी। तो हम देखते हैं कि जब हम बॉल फेंक रहे हैं, यहाँ से एक बॉल फेंकते हैं मध्य अक्षांश की तरफ, तो चूँकि इक्वेटर पर हम खड़े हैं और उसकी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर उसकी गति अधिक है, लेकिन मध्य अक्षांश पे, ए पॉइंट पे जो हमारा फ्रेंड खड़ा हुआ है वो भी घूम रहा है, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो क्या है, क्या होगी? कम होगी। किससे कम होगी? इस इक्वेटर की गति से या स्पीड से मध्य अक्षांश या मिड लैटिट्यूड की स्पीड जो है वो कम होगी। तो जब बॉल फेंकी जाएगी तो वो अपनी गति को कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए
क्या होगा, अधिक स्पीड वाली जगह से बॉल जो है वो फेंकी गई है ना, तो वो उससे क्या हो जाएगी, आगे की तरफ निकल जाएगी। और मध्य अक्षांश पे जो खड़ा हुआ है, जो बॉल जहाँ पर हमको फेंकनी है उस ए पॉइंट पे, उससे हमारी बॉल जो है वो ए पे ना पहुँच के बी पे पहुँच जाएगी, क्योंकि इक्वेटर से उसकी स्पीड कम है। और उस बॉल को अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है इक्वेटर वाली स्पीड से, इसलिए वो ए पॉइंट पे ना पहुँच के बी पॉइंट पे पहुँच जाएगा। अब इसी स्थिति को हम देखते हैं पोलर रीजन की तरफ से। मिड लैटिट्यूड पे हम एग्जांपल लेते हैं, पे स्थित कोई भी या पोलर रीजन से ही यदि हम एक बॉल फेंकते हैं और हम खड़े हैं वहाँ पर, और मिड लैटिट्यूड पे कोई व्यक्ति खड़ा है, हम इसको भी ले लेते हैं कि ए पॉइंट पे खड़ा है। अब हम क्या देखेंगे, मिड लैटिट्यूड का जो की जो स्पीड है वो अधिक होगी किससे, इस पोलर रीजन वाले लैटिट्यूड से या पोलर रीजन से। तो वहाँ पर से जब बॉल फेंकी जाएगी तो बॉल कहाँ से फेंकी जा रही है, कम स्पीड वाली वाले लैटिट्यूड से अधिक स्पीड वाले लैटिट्यूड की तरफ। तो जब तक उसको ए पॉइंट तक जाना रहेगा, बॉल के पहुंचते तक वो जो जगह है वो थोड़ा आगे निकल जाएगी और बॉल जो है वो पीछे छूट जाएगी। सेम कंडीशन होती है हवाओं के साथ भी, जो लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, तो चूँकि वो अधिक स्पीड वाले लैटिट्यूड से चलती है, तो जब वो मिड लैटिट्यूड तक पहुंचती है या हाई लैटिट्यूड तक पहुंचती है तो वो क्या होती है, थोड़ा आगे निकल जाती है। आगे इसलिए निकल जाती है क्योंकि वो अधिक स्पीड से जा रही है और ऊपर वाले लैटिट्यूड की स्पीड जो है वो कम है। इसे हम कहते हैं कोरियालिस इफेक्ट या कोरियालिस प्रभाव या कोरियालिस फोर्स भी हम कहते हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि जो ट्रेड है ना, जो 30-35 डिग्री अक्षांश से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ 5 से 10 डिग्री अक्षांश की तरफ चल रही है, तो ये तिरछी है अपनी दाई तरफ। आप इमेजिन कीजिए, यहाँ से हवा जो है वो सीधी चल रही है इक्वेटर की तरफ, या हम यहाँ पर विंड को ही ले लेते हैं, विंड को जहाँ पर पहुँचना था, ये सीधी विंड को यहाँ पर बी पॉइंट पे पहुँचना था, तो ये वाला स्पेस जो है वो आगे निकल गया और विंड जो है वो पीछे छूट जाती है, तो वो किधर मुड़ गई, अपने दाई। सेम हम सदर्न हेमिस्फीयर में भी इसको देख लेते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर से यदि मिड लैटिट्यूड से कोई इक्वेटर की तरफ कोई विंड चल रही है, तो एक सीधी रेखा के रूप में यदि हम उसको लेते हैं कि सीधी रेखा है, इस विंड को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो ये बी पॉइंट तक जाएगी, तो मिड लैटिट्यूड में क्या है, उसकी स्पीड कम है और इक्वेटर के पास जो है वो उसकी स्पीड अधिक है, तो ये हवा जो है जिस पॉइंट पे जाना था उससे वो पीछे छूट जाएगी, क्योंकि वो कम स्पीड वाली जगह से मूव कर रही है, तो वो अपने किधर मूव करती है, बाईं ओर, और नदन हेमिस्फीयर में अपने दाईं ओर। तो अब आगे बढ़ते हैं हम ट्रेड विंड्स में। तो हवाएं जो हैं इनकी दिशा क्या होती है ट्रेड विंड्स की, चूँकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से उतर रही हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, लेकिन ये एकदम सीधी ना जाकर थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है, तिरछी हो जाती है, और इनकी इनका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट आपके नदन हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में हम देख रहे हैं सामने इनकी दिशा क्या है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। हवाओं का नाम ही जिस डायरेक्शन से वो आती है, जिस डायरेक्शन से वो ओरिजिन होती है, उसकी उत्पत्ति होती है, उसके आधार पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। इस ट्रेड विंड्स को चूँकि ये ईस्ट से आती हैं, ओरिजिन होती हैं, इसलिए हम इनको स्टर्लीस के नाम से भी जानते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रेड अलग हो गई, स्टर्लीज अलग हो गई, ट्रेड विंड्स को ही हम स्टर्लीज भी कहते हैं। तो ये हो गई। अब ये विंड जो है वो ऐसे तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचाती है, लेकिन जैसे ही ये विंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के पास पहुंचती है, लगभग 5-10 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास जब ये पहुंचती है, और जहाँ पर भी इसको जो जलीय हिस्से, समुद्री हिस्से, महासागरीय हिस्से जो मिलते हैं, तो वहाँ पर चूँकि गर्म हो जाती है, संवहन धाराएँ उठती हैं और ऊपर जाकर क्लाउड बनाती है, बादल बनते हैं, संघनन होता है, और वहाँ पर वो भरपूर वर्षा करती हैं। तो ये हो गई ट्रेड विंड्स। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं अपने ग्लोब में,
तो ट्रेड विंड्स के बाद हम देखते हैं वेस्टर्लीज या पछुआ हवाएं। पछुआ हवाएं कैसे उत्पन्न हो रही है, 60-65 डिग्री से जो हवाएं ऊपर की तरफ उठी थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, वो कहाँ पर उतरी थी, आपके सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट के पास, लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांश के पास। वहाँ पर उतर के एक जो है वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चली, हम देख पा रहे हैं ट्रेड विंड्स बन के, और एक जो है वो नॉर्थ की तरफ चलती है आपके वेस्टर्लीज या पछुआ हवाओं के रूप में। तब इनका डायरेक्शन भी हम देख रहे हैं कि ओरिजिन इनकी किधर से हो रही है, वेस्ट से, और ये किधर मूव कर रही हैं, थोड़ा ईस्ट की तरफ। ये भी थोड़ा डिफ्लेक्ट हो रही हैं, सीधे नहीं जाके डिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्योंकि अब फिर ये मिड लैटिट्यूड से थोड़ा हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रही हैं, मतलब अधिक स्पीड वाले लैटिट्यूड से लो स्पीड वाली लैटिट्यूड की तरफ जा रही हैं। तो ये उससे जहाँ इनको पहुँचना था उससे ये थोड़ा आगे निकल जाती हैं, या हम मैं फिर से ये कहूँ कि ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो अब इनकी दिशा क्या हो गई, नदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ वेस्ट से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, और आपके दक्षिणी गोलार्ध में नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक, ये डायरेक्शन हो गया। ये डायरेक्शन या दिशा को हमको रटने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे ही नाम देखेंगे और हमको पता चलेगा कि कहाँ पर ये उतर रही हैं, किस डायरेक्शन वो, तो वो ऐसे ही अंडरस्टूड हो रहा है कि ट्रेड किस डायरेक्शन से चलेगी, वेस्टर्लीस किस डायरेक्शन से चलेगी। वेस्ट से ओरिजिन हो रहा है, इसीलिए नाम इसका क्या पड़ा है, वेस्टर्लीस, या हम इसी को पश्चिमी हवाएं भी कहते हैं, और यही पछुआ हवाओं के नाम से भी जानी जाती हैं। अब हम इसके और हमने क्या बताया कि ये लगभग 30-35 से लेकर आपके 60-65 डिग्री अक्षांश तक चलती हैं। अब जैसे ही हम इसके ऊपर की तरफ आते हैं, हाँ, और हमने ये क्या देखा, वेस्टर्लीज या पछुआ हवाएं जो हैं ये किस सेल के बीच में चल रही हैं, फेरल्स सेल, है ना, फेरल सेल के बीच में या फेरल कोशिका के बीच में ये मूव करती हैं। अब जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो हम देख रहे हैं कि 60-65 से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो ध्रुवों के पास, हमारे पोल के पास जो हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर जो बेल्ट है, वहाँ से हवाएं सरफेस विंड बनकर आ रही हैं आपके 60-65 की तरफ। अब ये हवाएं भी सीधे नहीं होके थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं ईस्ट की तरफ, वो क्यों हो रही हैं, क्योंकि पोलर रीजन की स्पीड या उस लैटिट्यूड की जो स्पीड है वो कम है, और उसकी अपेक्षा लगभग 60-65 डिग्री अक्षांश के पास जो या उन लैटिट्यूड्स या अक्षांशों की जो स्पीड है वो अधिक है। तो ये हवाएं चल तो रही हैं सीधी, लेकिन वो डिफ्लेक्ट किधर हो जा रही हैं, अपने दाहिनी तरफ, मतलब वो पीछे छूट जा रही हैं, और जहाँ तक उनको पहुँचना था वो रीजन या वो एरिया जो है वो थोड़ा आगे निकल जाता है। तो इस पोलर विंड्स या ध्रुवी हवाओं की जो दिशा है वो क्या होती है, नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपके साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ होती हैं। इसे भी हम पोलर स्टर्लीस के भी नाम से जानते हैं, स्टर्लीस मतलब ईस्ट से इसकी भी ओरिजिन हो रही है, तो पोलर स्टर्लीस ध्रुवीय पूर्वा हवाएं के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं जो टकराहट है, कन्वर्जेंट जो होने की जो प्रक्रिया है वो आपके इस लगभग 60-65 डिग्री अक्षांश पे हो रही है। कौन सी, दो हवाएं टकरा रही हैं, नीचे से आपकी हम देख रहे हैं पछुआ हवाएं जा रही हैं, और ऊपर से आपकी ध्रुवीय पूर्वा हवाएं आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो ऐसा बेल्ट है, यहाँ पर बहुत तूफान या साइक्लोन की स्थिति बनती है। अब हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी दो टकरा रही हैं, यहाँ पर तो साइक्लोन बन रहा है या तूफान आ रहे हैं, लेकिन कन्वर्जेंट वाला जो प्रोसेस है या ये प्रक्रिया जो है वो तो आपके कहाँ पर हो रही थी, लगभग इक्वेटोरियल एरिया में, जब आपकी नॉर्थ की ट्रेड और साउथ की ट्रेड भी आपस में आकर मिल रही थी या कन्वर्जेंट हो रही थी, तो वो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं होती, क्योंकि इनका नेचर जो है वो सेम है, मतलब दोनों गर्म हवाएं हैं,
उथल पुथल कब होती है? जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं जो हैं वो आपस में मिलती हैं। तो हम देख रहे हैं कि पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज जो है वो उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, वो गर्म प्रवृत्ति की होती है, और ध्रुवीय पूर्व हवाएं जो हैं वो ठंडी प्रवृत्ति की होती हैं। तो यहाँ पर ठंडी और गर्म हवाएं आपस में आकर कन्वर्जेंट होती हैं, उनमें अभिसरण होता है, फ्रंट्स बनते हैं, वाताग्र बनते हैं, और साइक्लोन या चक्रवात की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। तो ये तो पूरी बात हो गई आपके प्रिवेलिंग विंड्स या हम बोलें स्थायी हवाएं या ग्रही हवाएं। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात और हमको इसमें चर्चा करनी चाहिए। ये जो पछुआ हवाएं हैं, पछुआ हवाएं जब नदन हेमिस्फीयर में ब्लो करती हैं, बहती हैं, तो हमको मालूम है कि नदन हेमिस्फीयर में बहुत सारे स्थलखंड कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इन हवाओं के रास्ते में बाधा के रूप में या रुकावट बन जाते हैं। लेकिन जब हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में, तो हमको मालूम है कि दक्षिणी गोलार्ध में तो पूरी जलीय स्थिति, मतलब बहुत सारे जल ही हमको महासागरों की स्थिति देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा पार्ट बस इसमें कॉन्टिनेंट के रूप में या स्थल भाग के रूप में है। तो लगभग 30-35 से लेकर 60-65 डिग्री के अक्षांश के बीच में जब ये हवाएं चलती हैं, पछुआ हवाएं, आपके सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में, हम नदन हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की नहीं, ऐसा दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो ये बहुत तीव्र गति से, बहुत ज़्यादा स्पीड इनकी होती है, इसीलिए 30-35 से लेकर लगभग 65-70 डिग्री अक्षांश के बीच में, हर 10 डिग्री अक्षांश के बीच में इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, इनकी स्पीड और इनकी गति के कारण। क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ये बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अवरोध के एकदम बिंदास चलते हैं, है ना। तो जैसे ही ये 40 डिग्री अक्षांश के बीच बहती है दक्षिणी गोलार्ध में, तो हम इसको रोरिंग 40s के नाम से जाना जाता है, गरजती 40। जैसे ही ये 50-55 डिग्री अक्षांश के बीच में, दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश के बीच में जब ये ब्लो करती है, बहती है, तो इसको फ्यूरियस 50s के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ भयंकर 50 कहा जाता है। और जैसे ही ये लगभग 60-65 डिग्री के आसपास आती हैं और यहाँ पर ये ब्लो करती हैं, तो इनकी स्पीड और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम बहुत तेज गति से ये प्रवाहित होती हैं, और मतलब आवाज़ भी जो एकदम की आने लगती है। तो वहाँ पर इसे श्रिंकिंग 60s के नाम से पुकारा जाता है, मतलब चीखती 60, है ना। तो ये तीन नाम पछुआ हवाओं के आपके सदर्न हेमिस्फीयर में हैं जो हमें जानना चाहिए। तो अब तो ये बात हो गई आपके परमानेंट विंड्स की। अब इसके अलावा हम देखते हैं, हमने दूसरा जो टाइप्स देखा था विंड का, वो हमने देखा था सामयिक पौने या मौसमी पौने, या जिसको हम सीजनल विंड्स के नाम से भी जानते हैं। और हमने कहा था कि सीजनल विंड्स मतलब जो सीजन के अनुसार या मौसम के अनुसार अपना डायरेक्शन बदल देते हैं, उन्हें हम मौसमी हवाएं या हम इन्हीं को मानसूनी पवनों के नाम से भी जानते हैं। हम सभी को पता है कि हमारे भारत में मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं ये कि कैसे चेंज होती है। हमारे भारत में हमको मालूम है कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है, ना कि उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं से। गर्मी के सीज़न में क्या होता है, जब ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, तो हमारे पूरे उत्तरी भारत में या भारत का जो जितना भी पूरा स्थलीय भाग है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर तापमान सूर्य की किरणों से, चूँकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री अक्षांश, लगभग मध्य भारत तक सूर्य की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ने लगती हैं, जिससे पूरा भारत का स्थलखंड जो है वो एकदम गर्म होने लगता है, गर्म तवे के समान जो है वो व्यवहार करने लगता है। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं, वो गर्म हो गया तो वहाँ पर जो हवा चलेगी वो क्या हो जाएगी, प्रेशर संवहन धाराएं वहाँ से ऊपर उठने लगती हैं, खास करके आपके थार के रेगिस्तान के पास राजस्थान में, वहाँ पर हवा जो है वो
गर्म होकर ऊपर उठेगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, चूंकि टेम्परेचर हाई है पूरे स्थलीय भाग में इसलिए प्रेशर की स्थिति क्या होगी, लो हो जाएगी। लेकिन हम वहीं पर जो उससे लगे पूरे दक्षिणी, आप देख पा रहे हैं इस मैप में, चाहे वो हिंद महासागर हो हमारा या बे ऑफ बंगाल हो या अरब सागर हो, यहाँ पर जितने भी जलीय भाग हैं वो भारत के स्थलीय भाग की अपेक्षा वहाँ पर क्या होता है, जल की प्रवृत्ति होती है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो जब स्थल भाग बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके होते हैं तो जली हिस्से जो हैं वो उसकी अपेक्षा कम गर्म होते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम है, तापमान कम है, मतलब प्रेशर की स्थिति जो है वो क्या हो गई, हाई हो गई, उच्च दाब हो गया। और हमने कई बार चर्चा की कि हवाएं जो हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, तो इन पूरे जलीय भाग से हवाएं जो हैं वो क्या हो रही हैं, ये पूरे मैप से आप देख पा रहे हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चल रही हैं, मतलब इस जली हिस्से से भारत के आंतरिक पूरे स्थलीय भाग की तरफ, चाहे वो बे ऑफ बंगाल हो, अरेबियन सी हो या इंडियन ओशन हो, है ना, तो इनकी दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और हम जब ITCZ की स्थिति पढ़े थे तब भी हमने देखा था कि ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में जो इसको एक बार और फिर हम रिपीट कर लेते हैं, जब इनकी स्थिति 0 से 5 डिग्री से ऊपर आ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, सूर्य की स्थिति उत्तरायण की होती है, तो सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने के साथ ITCZ है ना, मतलब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर एरिया वाला भी खिसक कर कहाँ पर आ गया, उत्तर की तरफ। अब जब ये स्थिति उत्तर की तरफ खिसक गई तो साउथ की जो ट्रेड है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध की जो चलने वाली व्यापारिक हवाएं हैं, वो भी हमको मालूम है ना कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं। तो ये उस लो प्रेशर वाली स्थिति का पीछा करते हुए इक्वेटर को पार करके ऊपर की तरफ खिसक जाती हैं, मतलब भूमध्य रेखा को पार करके कहाँ आ गई है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब इनका डायरेक्शन फिर से फेरल्स ला या कोरियालिस इफेक्ट, इसके कारण क्या हो जाता है, जैसे ही ये इक्वेटर क्रॉस करके ऊपर आई, हम देख रहे हैं ये ऊपर आई और किधर मुड़ गई, अपने दाईं ओर, किधर मुड़ गई, दाईं ओर। और यही जो बढ़ी हुई ट्रेड है, मतलब आगे खिसकी हुई आई ट्रेड है, साउथ की जो व्यापारिक हवाएं जो इक्वेटर पार करके, भूमध्य रेखा को पार करके आपके हिंद महासागर या अरेबियन सी की तरफ आई हैं, यही आगे यहाँ पर जो प्रेशर है उसकी स्थिति हाई हो गई उच्च दाब होने के कारण, और संपूर्ण भारत के स्थलखंड में लो प्रेशर होने के कारण ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के रूप में आगे बढ़ती है। और चूंकि ये हवाएं जो है समुद्र से आई हुई हैं, हमको मालूम है जहाँ पर भी समुद्र होगा जली हिस्से होंगे, और वहाँ पर अगर टेम्परेचर हाई है वहाँ पर क्या होंगी, संवहन धाराएं उठेंगी, मतलब वाष्प बनेगा, भाप बनेगा और ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन होगा, बादल बनेंगे, संघनन होगा, और उन्हीं हवाओं से ही, मतलब वाष्प भरी हवाओं से ही वर्षा होती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत स्थिति हम शीतकाल में देखेंगे क्या होगा, शीतकाल के मौसम में अब पूरा उत्तरी भारत जो है वहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर जली हिस्से की अपेक्षा कम हो जाता है। तो टेम्परेचर कम मतलब आंतरिक स्थलीय भाग में प्रेशर हाई, लेकिन जली भाग में उसकी अपेक्षा टेम्परेचर लो, सॉरी टेम्परेचर जो है वो, हाँ टेम्परेचर क्या हो गया आपका, तापमान आपका वहाँ पर कम है लेकिन उसकी अपेक्षा यहाँ पर हाई है, तो प्रेशर लो। अब हवाएं जो हैं वो उस स्थलीय भाग से आपके जली भाग की तरफ चलने लगती हैं, तो उनसे जो स्थल से जल की ओर आ रही हैं उनसे वर्षा नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून से नहीं, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। तो ये हो गई मौसमी हवाएं या सीजनल विंड्स। अब इसके अलावा जो तीसरा टाइप हम देख रहे हैं, लोकल विंड्स या स्थाई हवाएं। स्थाई हवाएं ये किसी पर्टिकुलर प्लेस में ही चलती हैं और किसी समय विशेष में ही चलती हैं, है ना, तो इन्हें हम स्थानीय हवाओं के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल
आपका लू हमारे भारत में, उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, शीत ऋतु में शीतलहर चलती है, ये सभी स्थानीय हवाओं के ही प्रकार हैं। चाहे हम स्थल समीर ले लें, जल समीर ले लें। स्थल समीर में क्या होगा, दिन के समय में तापमान क्या हो जाएगा स्थलीय भाग में अधिक हो जाता है उसकी अपेक्षा, जल में जो है वो तापमान कम होता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई हो गया और प्रेशर की स्थिति क्या हो गई, लो हो गई। लेकिन जली हिस्से में क्या हो गया, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई हो गया। तो स्थल समीर जो है वो दिन में जल से स्थल की ओर चला और उसके अपोजिट स्थिति रात में जब टेम्परेचर की कंडीशन फिर से चेंज होगी कि स्थलीय भाग में रात में टेम्परेचर कम हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा और उस जली हिस्से में उसकी अपेक्षा टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा अधिक है ना, और प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो हवाओं की दिशा बदलकर अब रात में क्या हो जाएगी, स्थल से जल की तरफ। तो ये कुछ ऐसे ही पर्वत समीर, घाटी समीर, और हमने देखा है कि आपके रॉकीज पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल पे, पूर्वी ढाल पे हमको चिनुक हवाएं देखने को मिलती हैं। इन स्थानीय हवाओं में एक जो आपका हरमट्टन है और ब्रेकफील्डर, ये दोनों ऐसी स्थानीय हवाएं हैं जिसे हम डॉक्टर विंड की संज्ञा देते हैं। डॉक्टर विंड क्यों भाई, डॉक्टर हमारा हमारी जो बीमारी है उसको ठीक करता है, इलाज करता है, तो फिर नेचुरली है कि ये हवाएं भी उसके समान ही कुछ उनका नेचर है, इसलिए हम इसको डॉक्टर विंड की संज्ञा दे रहे हैं। वो कैसे, जो हरमट्टन है वो आपके अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से, ये बहुत बहुत ज़्यादा उष्ण और शुष्क हवाएं होती हैं, और इतनी उष्ण और शुष्क होती हैं कि ये वृक्षों के तनों में दरारें भी जो है वो इससे पैदा हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं इन हवाओं के चलने से। तो ये अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से अफ्रीका के गिनी तट की तरफ चलती हैं। तो चूंकि ये उष्ण और शुष्क होती हैं, तो जब गिनी के तट में, अफ्रीका के गिनी तट में वहाँ पर चलने वाली हवा से बहुत ज़्यादा उमस भरा जो मौसम होता है, तो ये हवाएं जैसे ही वहाँ पर आती हैं तो वहाँ पर की नमी को, चूंकि ये शुष्क होती हैं और उष्ण गर्म भी होती हैं, तो वहाँ पर की नमी को ये अपने में सोख लेती है, जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत अच्छा खुशनुमा एटमॉस्फेयर जो है या वातावरण वहाँ पर उत्पन्न होता है, जिसके कारण जब ये हवा चलती है हरमट्टन, तो वहाँ के लोग इसे डॉक्टर विंड की संज्ञा देते हैं। ठीक ऐसी ही हवा जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में चलती है, उसे हम ब्रिक फील्डर के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही हवाएं जो है वो डॉक्टर विंड के नाम से जानी जाती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी स्थानीय हवाएं होती हैं जो किसी स्थान विशेष में ही चल रही हैं, बहुत कम एरिया को कवर करती हैं। अब हम स्थानीय पवनों के अंतर्गत हमने देखा हरमट्टन, लू है, ब्रिक फील्डर है, ये कुछ गर्म पवने हैं। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, एक और महत्वपूर्ण पवन है आपकी सिरोक्को। सिरोक्को जो है ये एक प्रकार से गर्म, शुष्क और रेत भरी हवाएं होती हैं जो मरुस्थली भागों से उठती हैं या चलती हैं। तो चूंकि ये मरुस्थली भागों से चल रही हैं, तो गर्म होने के साथ साथ शुष्क और रेत भरी होती हैं, या हम कहें रेतीली हवाएं होती हैं। और जब ये तूफान चलती है तो उसके मार्ग में जो भी छोटे छोटे समुद्र या जलीय क्षेत्र जो पड़ते हैं उसे आसानी से पार करके जाते हैं। अब हम बात करें कि जब सहारा मरुस्थल से ही इस प्रकार का जो तूफान उठता है और सहारा मरुस्थल से ऊपर उठा हुआ, मतलब जो इस प्रकार की जो हवाएं उठती हैं जो गर्म और शुष्क होने के साथ साथ रेतीली होती हैं, चूंकि मरुस्थली क्षेत्र से आ रही हैं, तो ये हवाएं सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर को पार करके इटली पहुंचती हैं। आप मानचित्र में देख पा रहे होंगे सहारा मरुस्थल की ठीक उत्तर में भूमध्य सागर और उसके ऊपर फिर है इटली। तो ये जैसे ही भूमध्य सागर को पार करके इटली पहुंचती हैं, तो इटली में इन पवनों को सिरोक्को के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही हवा रूम सागर को पार करती है तो चूंकि वो जली क्षेत्र से होकर गुजरती है तो नमी धारण कर लेती है, और कभी कभी ये दक्षिणी इटली में इसके कारण वर्षा भी होती है।
तो ये हो गई आपकी स्थानीय गर्म हवाएं। अब कुछ हवाएं जो स्थानीय रूप में चलती हैं लेकिन उनकी प्रवृत्ति जो है वो ठंडी होती है, जैसे हमने बात की थी कि ठंडी पवने जो हमारे उत्तर भारत में जिसको हम शीतलहर के नाम से जानते हैं, जो शीत ऋतु में चलती है, ठीक उसी प्रकार हम देख लेते हैं ब्लीजार्ड है। ये ब्लीजार्ड ठंडी हवाएं होती हैं, ठंडी होने के साथ साथ हिमकण युक्त ध्रुवी हवाएं हैं जो आपके हम मानचित्र में देख पा रहे हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवी जो क्षेत्र हैं वहां पर, और उन क्षेत्रों के साथ साथ ये साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी चलती है। इन हवाओं की जो गति होती है वो लगभग 80 से 96 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और ये जब चलते हैं तो इनके चलने के कारण वहां पर किसी भी स्थान विशेष जहां पर ये चल रही हैं वहां पर का तापमान जो है वो हिमांक से भी नीचे चला जाता है, और वहां पर का जो धरातल है, चूंकि वहां पर की हवा हिमांक बिंदु से नीचे गिर जाती है इसलिए वहां का धरातल भी हिम से आच्छादित हो जाता है, हिम से ढक जाता है, और बहुत तेज जो है वो शीतलहर चलती है वहां पर उन स्थानों पर। इन हवाओं को साइबेरिया में बुरान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बोरा देख लेते हैं। बोरा भी आपकी ठंडी हवाएं हैं। ये हवा जो है वो एड्रियाटिक सागर से उठती है और उसके पूर्वी किनारे या पूर्वी किनारे के जो सकरी पट्टी है वहां तटीय मैदानी प्रदेशों में चलती है। ये भी बहुत ठंडी ठंडी होने के साथ साथ शुष्क होती है और इनकी गति बहुत तीव्र होती है। ये लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। बोरा हवाओं से आपका इटली का उत्तरी भाग जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसके साथ साथ हम एक और महत्वपूर्ण हवाएं देख लेते हैं, जो ठंडी हवा है, स्थानीय और ठंडी हवा मिस्ट्रल पवने। ये हवाएं जो हैं वो आपके स्पेन और फ्रांस में चलती हैं। जब भी शीत ऋतु में या शीतकाल के समय यूरोप में उच्च वायु दाब का जो क्षेत्र है वो बन जाता है और भूमध्य सागर पर जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहां पर न्यून वायु दाब की स्थिति होती है, तो उस उच्च दाब से निम्न वायु दाब की तरफ ठंडी ध्रुवी हवाएं जो हैं वो चलने लगती हैं। इनकी गति लगभग 56 से 65 किलोमीटर के मध्य होती है और जब भी ये हवाएं आती हैं तो वहां पर का तापमान जो है वो हिमांक से नीचे गिरा देती हैं। तो ये हो गई आपकी कुछ ठंडी और गर्म स्थानीय हवाएं। इनके साथ साथ और भी बहुत सी स्थानीय पवने हैं, उनके नाम आपको और वो किस स्थान से किस स्थान की तरफ चलती हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या होती, क्या विशेषताएं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए।